नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आप शेयर बाजार में सीधे निवेश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एफडी और बैंक से ज्यादा रिटर्न की चाहत रखते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। म्यूचुअल फंड में आप अपने हर छोटे बड़े लक्ष्य के लिए निवेश कर सकते हैं और निवेश की सही रणनीति अपनाकर बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में कैसे होगा निवेश, लक्ष्यों के मुताबिक किस फंड में निवेश करना है, ये कैसे आप तय करेंगे? म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे अपने शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। इस शो में आज क्या खास होने वाला है, चलिए देख लेते हैं। उम्र के मुताबिक कैसे तय करें पोर्टफोलियो में डेट और इक्विटी का रेशियो, किस स्कीम में नेगेटिव कैश फ्लो हो तो क्या ये निवेशकों के लिए खतरे की घंटी है, एक साल से कम की अवधि के लिए क्या है बेहतर निवेश के विकल्प, और हमारे खास सेगमेंट फंडनामा में आज हम समझेंगे कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है मनी फंड के को फाउंडर और सीईओ मोहित गांग। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं, क्या चल रहा है? थैंक यू स्वाति, बहुत बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। पहला सवाल ले फिर यहाँ पे। बिल्कुल, चलिए। हमारे साथ एम एच सिद्दीकी जी फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सिद्दीकी साहब नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते मैडम, मैं इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ। जी बताएं, आपके पास 8, 9, 10, 11 फंड है और अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं आप। जी, 8 फंड है इक्विटी के और 3 है डेट फंड। और मेरी है जी 58 ईयर्स है, 2 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा। मैं एलआईसी में सर्विस करता हूँ। अच्छा, तो अभी रिटायरमेंट पर भी अच्छा खासा 50-60 लाख रुपए मिलेगा, तो उसको भी इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग में बना रहा हूँ। इसलिए मैं ये एसआईपी तो चल रही है, और मैं बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहा था 5 साल पहले से। अच्छा, तो वो पैसा भी मैंने निकाल लिया बेटी की शादी के समय, लेकिन इस समय ये सारी स्कीम चल रही है जो मैंने लेके भेजा है। तो मैं अपना आपका प्रोग्राम देखते हुए मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ फंड कम करने चाहिए, तो क्या मैं इसमें से हटाऊं, इसलिए मैंने आपको फोन किया। और मेरा निवेश क्या रहना चाहिए? सिद्दीकी साहब, कितने दिनों से आप ये निवेश कर रहे हैं, कितने साल हो गए आपको ये? तो अभी 20 साल स्टार्ट। कितना? ये सारे निवेश जो हैं, जो मैंने लिखे हैं जी, ये सब अभी 20 साल स्टार्ट किए हैं। 20 साल शुरू किया है और आपको 2 साल में रिटायर भी होना है। जी जी जी, 2 साल में रिटायर होना है। आपके पास 3 साल का सिर्फ वक्त है निवेश के लिए। और मैं तो आगे तक करता रहूंगा, अभी मैं जो रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा उसको भी इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे इक्विटी में? जी जी, रिटायरमेंट पर ही हमको। किस तरह का टारगेट देख रहे हैं, किस तरह की रकम जोड़ना चाहते हैं इस निवेश से? अमाउंट तो अपना कैपिटल एप्रिसिएशन करना चाहता हूँ मैं तो, क्योंकि मेरा अमाउंट पर रिटायरमेंट पर ही हमको करीब 60-70 लाख रुपया मिलेगा। जी, मैं एक सवाल और कर लूं मैं आपसे यहाँ पे, कि रिटायरमेंट के बाद जो मासिक खर्चा है उसकी क्या आपने तैयारी करके रखी है, कैसे चलाएंगे वो? वो तो पेंशन मिलेगी ना, वो पेंशन मिलेगी उससे, तो ये पैसे से आपको घर का खर्चा नहीं चलाना है। ओके, चलिए, ये क्लैरिटी बढ़िया है। बताएं मोहित, कुछ और भी जानना है जवाब देने के पहले? नहीं, आई थिंक जिस तरह से सिद्दीकी जी ने बताया है, पहली बात तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। आई थिंक काबिले तारीफ है जिस तरह से उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया है। इक्विटी डेट रेशियो 73:27 बहुत ही अच्छी तरीके से, और उन्होंने जो स्कीम्स का चुनाव किया है वो भी काफी अच्छा है। देखिए, बट अभी इनका जो जिस तरह का इनका लक्ष्य है कि 2022 में इन्हें रिटायर होना है, तो मैं चाहूंगा सिद्दीकी जी, आप वहां तक तो अपना ये जो एलोकेशन है बरकरार रखिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वहां आपको एकमुश्त अच्छी रकम आने वाली है, तो उस रकम को आप डेट में इन्वेस्ट करिए, और वहां के बाद आप अपना जो डेट इक्विटी रेशियो है पोर्टफोलियो में, जो अभी 73:27 चल रहा है, उसे बदलकर
डेट में 60% तक जाइए और एक्विटी में 40% कर दीजिए। थंब रूल के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर आपकी एज 60 साल की है तो आप टिपिकली आपका जो डेट एलोकेशन होगा वो 60% हो सकता है और एक्विटी एलोकेशन 40%। और जिस तरह से आपकी उम्र बढ़ती जाए उस तरह से आप अपना एक्विटी कम करते जाइए, बिकॉज आपको एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम लगेगी अपना जो डेली का खर्चा है उसे चलाने के लिए। तो उस टाइम मोहित, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हालांकि इनको पैसे की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये इनको पेंशन आ रही है, तो इनके जो महीने के जो खर्चे हैं वो वहां से पूरे हो जाएंगे। तो ये निवेश इनका लंबे वक्त के लिए है, तो अगर लंबे वक्त के लिए भी निवेश है तो भी क्या इनको अपना पोर्टफोलियो में डेट इक्विटी को रीबैलेंस करने की जरूरत होगी अगले 2 साल में? जी स्वाति, मुझे लगता है कि बिकॉज आपका जो रेगुलर बड़ा स्ट्रीम ऑफ इनकम है वो रुक जाएगा एक तरह से, और आपके जो गोल हैं लाइफ के, कुछ गोल्स होते हैं, देखिए सबकी उस उम्र में जाकर आप चाहते हैं कि आप ट्रैवल करें, आप थोड़े से और खर्चे करें, जो आपने सोच रखा था अपने लिए आप उन चीजों में आप अपने पैसे को लगाना चाहेंगे, तो वो सबके लिए जो रकम लगेगी इन्हें वो एक बार तो इनको एक मुश्त मिल जाएगी, उसे आप पूरी तरह से डेट में डाल दीजिए। और ये एक्विटी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप निकाल दीजिए, इसे चलते रहने दीजिए 2022 तक, बट ग्रेजुअली उसके बाद उस एलोकेशन को धीरे धीरे करके कम करिए ताकि आपकी जो दूसरी जरूरतें हैं, जो सपने आपने बना के रखे हैं, उन्हें आप पूरा कर सके। और ओके, एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन मोहित, सिद्दीकी जी से मैं एक बार क्वेश्चन करना चाहूंगी। सिद्दीकी जी, आपके अगले 10 साल या 15 साल के लक्ष्य क्या है? इंटरनेशनल, मतलब बाहर मुझे जाना है, फॉरेन टूर करना है। कब जाना है, कितने साल के बाद? रिटायरमेंट के बाद। नहीं, रिटायरमेंट तो आपकी 2 साल के बाद है, तो आप क्या? रिटायरमेंट के बाद मैं छुट्टी लेकर के जाऊंगा, कनाडा में मेरे इन लॉज रहते हैं। अच्छा, कनाडा जाएंगे घूमने के लिए बताओ। बस अच्छा, दो बच्चों की शादी कर चुका हूँ मैं। अच्छा, तो बस एक इंटरनेशनल ट्रिप आपका एक लक्ष्य है जो आप 2 साल के बाद प्लान कर रहे हैं, और इसके अलावा आपका जो ये इक्विटी निवेश है आप कम से कम कितने साल के लिए चला सकते हैं? कम से कम 5-6 साल, 10 साल भी चला सकता हूँ मैं। उस पैसे की जरूरत किसी भी और लक्ष्य के लिए पड़ेगी क्या आपको? नहीं, पैसा अगर निकालना होगा तो डेट फंड से निकाल लूंगा। ओके मोहित। जी मैं सुन रहा हूँ स्वाति। आई थिंक मेरी राय ये रहेगी सिद्दीकी जी कि आप किसी अच्छे प्लानर के साथ बैठकर इसे पूरी तरह से प्लान कर लीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि आपकी जरूरतें इतनी नहीं हैं, इंटरनेशनल ट्रिप का भी एक ही गोल है जो आपकी डेट की रकम से पूरा हो सकता है, बट मुझे फिर भी लगता है स्वाति कि एक पड़ाव के बाद आपको थोड़े से कॉशन की जरूरत है पोर्टफोलियो में। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर दीजिए, प्लीज अपने पोर्टफोलियो को एक्विटी में चलाइए। आप चाहें तो उसे 50-50% एक्विटी डेट कर सकते हैं, बट यू कांट बी 75%, आप 75%, 80% एक्विटी में नहीं रह सकते हैं जबकि आपका जो बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो चुका है। तो उसे आपको ध्यान, बिकॉज एक्विटी वॉलेटाइल होता है, कल को अगर मार्केट में 3 या 5 साल तक लगातार करेक्शन आ जाए, मान लीजिए राइट, ऐसा पॉसिबल है, तो उस टाइम में आपको लगेगा और आप उस पड़ाव पे आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे राइट। तो ऐसे लिए, इसीलिए बोला जाता है कि रिटायरमेंट के बाद इट इज ओके कि अगर आप धीरे धीरे उसे थोड़ा सेफ्टी की तरफ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएं, आप चाहें तो इसको एलोकेशन को धीरे धीरे कर कम करिए, थोड़े थीमेटिक फंड्स जो आपने ले रखे हैं उन्हें कम करिए अपने पोर्टफोलियो में, उसकी जरूरत है। आप थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ पोर्टफोलियो को टिल्ट कर सकते हैं जो काफी कम एलोकेशन है, लार्ज कैप और मल्टी कैप को बढ़ाइए अपने पोर्टफोलियो में और अगले 3-5 साल तक चलाइए और फिर धीरे धीरे से कम करिए। पूरा कम करने की जरूरत नहीं है, आप इक्विटी बरकरार रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में गिवन कि आपकी सिचुएशन काफी कैश फ्लो पॉजिटिव रहेगी। तो मल्टी कैप में कोई सलाह देंगे? आपने कहा है कि लार्ज कैप और मल्टी कैप में बढ़ाइए, तो कोई नाम देना चाहेंगे वहां पर? जी लार्ज कैप में मुझे लगता है इंडेक्स फंड सबसे अच्छा चॉइस है, इंडेक्स फंड ले सकते हैं, मिराई एसेट लार्ज कैप, एक्सेस ब्लू चिप, ये अच्छे फंड्स हैं, आप इनमें से कुछ एक ले सकते हैं। मल्टी कैप में SBI फोकस्ड इक्विटी, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, मोतीलाल मोस्ट 35, ये सभी अच्छे चॉइसेस हैं, आप इनमें से कुछ ले सकते हैं। ओके ठीक है सिद्दीकी जी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए? मैडम मैं ये कह रहा था कि मेरे जो 8 फंड है मैं इनको कम करना चाहता हूँ, इनमें कौन से फंड हटा दें? मोहित कौन से फंड हटाएं पोर्टफोलियो में से? जी सिद्दीकी जी, मेरा सबसे पहले कहना होगा कि आप थीमेटिक फंड कम,
कर्जा ले रखा है उसे हटाइए, आप चाहे तो क्वांट फंड को भी कम कर सकते हैं, थीमेटिक जितना कम हो पोर्टफोलियो में उतना अच्छा रहता है, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एक पर्टिकुलर थीम पर निर्भर रहते हैं पूरी तरह से, और काफी बार एज अ निवेशक हमको नहीं समझ आता कि वो थीम कब चलेगी कब गलत जाएगी, तो जितना हो सके थीमेटिक से बचिए। आपने गिल्ट फंड ले रखा है, अगर आपका 10 साल का होराइजन हो तभी गिल्ड फंड में जाइए, गिल्ड फंड बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होते हैं, तो अगर आप चाहें तो उसे भी कम कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से, बिकॉज डेट में वो कैटेगरी काफी रिस्की होती है। तो फिर डेट फंड में कितने किन फंड्स में जाऊं आगे? आपको नाम बताया यहाँ पे, मेरे एसेट लार्ज कैप इंडेक्स फंड आप देख लीजिए, कुछ डेट फंड की बात कर रहा हूं। अच्छा, डेट में आप अपने जो बैंकिंग पीएसयू फंड है उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें आप अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, और आपके पास में एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड भी है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चले अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास भेजा है उदय भाटिया ने ईमेल के जरिए। ये सवाल थोड़ा अलग सा है मोहित, यूजुअली ऐसा सवाल हमारे पास आता नहीं है। ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, वहां पर कुछ पढ़ने के बाद उनको ये दिखा कि जो डेफिसिट बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है। जानना चाहते हैं कि ऐसे स्कीम में निवेश करना क्या सेफ होता है जहां पर डेफिसिट को आगे बढ़ाया जाता है, कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, और क्या ये फंड मैनेजमेंट के सही तरीके से फंड मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये बताता है, ये जो डेफिसिट है वो ये दिखाता है? नहीं स्वाति, पहली बात तो बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है उदय जी, काफी अच्छी बात है कि आप इतनी इतनी बारीकी से अपनी स्कीम्स को जांच रहे हैं, उन्हें परख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये जो कैश फ्लो, ये जो फंड अकाउंट्स होते हैं, उसमें जो फंड का कैश फ्लो होता है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग दोनों को मिला के बनाया जाता है, तो दोनों शामिल होते हैं, इन्वेस्टिंग के कैश फ्लोज और ऑपरेशंस के कैश फ्लोज। तो अगर पिछले कई सालों से फंड में पॉजिटिव फ्लो था, फंड्स प्रॉफिट कर रहे थे, तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट उसमें कैरी फॉरवर्ड होके आएगा। बट इस साल 31 मार्च को जो पोजीशन थी वहां पर मार्केट्स बहुत नीचे थे और फंड ने उस दिन के हिसाब से, उस दिन के एनएवी के हिसाब से लॉसेस इंकर किए, तो पिछले बार के पिछले सालों के जो प्रॉफिट थे वो भी उसमें साफ हो गए। और ऐसा इनके साथ नहीं, बहुत सारी दूसरी स्कीम्स के साथ में हुआ, बिकॉज मार्केट बहुत घिरे हुए थे 31 मार्च के वैल्यूएशन के हिसाब से। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप कैश फ्लो को मत देखिए, आप फंड के एनएवी मूवमेंट और फंड के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट को देखिए। फंड का जो कैश फ्लो होता है उसमें इन्वेस्टिंग और ऑपरेशंस को मिला दिया जाता है, तो वो एक सही रिफ्लेक्शन नहीं है कि फंड ने किस तरह से परफॉर्म किया है, और वो एज ऑन डेट का पोजिशन है 31 मार्च का। मार्केट्स ने जब वापस रिकवर किया होगा तो फंड वापस कैश फ्लो के हिसाब से लिहाज से पॉजिटिव में आ जाएंगे, तो इसको इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है उदय जी। आपको जी, आप नेगेटिव कैश फ्लो को देखकर चिंता मत करें, और फंड का पोर्टफोलियो, एनएवी, आप वो सब देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट मोहित गांग। अगला सवाल लेते हैं, किशोर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। किशोर जी, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्ते, मैं मुंबई से बात कर रहा हूं। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, जस्ट मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा। और मेरी उम्र 55 साल है। तो मैंने रिटायरमेंट के बाद अच्छा रेगुलर अमाउंट मिलता रहे, इसलिए मैंने कुछ इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। उससे कि रिटायरमेंट के बाद मुझे एसडब्ल्यूपी करके अच्छा पैसा मिले, इस हिसाब से। ओके। तो मेरा सवाल है कि ये आईडीएफसी बैंकिंग और पीएसयू फंड में अच्छा खासा निवेश किया है, पर लास्ट मंथ मैंने देखा है कि इसमें अगस्त मंथ में इसमें निगेटिव रिटर्न आया है। तो मेरा ये पूछना था कि ये डेट फंड होने के बावजूद इसमें निगेटिव रिटर्न कैसा क्या है? आपको ये किसने कहा कि डेट फंड में निगेटिव रिटर्न नहीं मिल सकता है?
नहीं अच्छा ये मेरा सोचना था। तो कोई नहीं ठीक है। बताएं IDFC बैंकिंग एंड PSU डेट फंड जो एक सिक्योर निवेश मतलब सुरक्षित बाकी की तुलना में माना जाता है निवेश का विकल्प, इसका रिटर्न नेगेटिव है, इसको लेके परेशान है, क्या करना चाहिए? किशोर जी, IDFC बैंकिंग एंड PSU डेट फंड बहुत ही अच्छा फंड है। आपका जो चुनाव है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। बट डेट फंड्स नेगेटिव दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। प्लीज जो भी दर्शक यहाँ सुन भी रहे हैं, जो भी निवेशक है, मैं एक बार पूरी तरह से बताना चाहूंगा कि कुछ भी सेफ नहीं होता है। सारे ही स्कीम, चाहे वो डेट हो, इक्विटी हो, हाइब्रिड हो, या कुछ भी हो, या कि आप कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स भी हो, नेगेटिव रिटर्न्स दे सकती हैं। डेट फंड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होते हैं। जितना ज्यादा पोर्टफोलियो का मॉडिफाइड ड्यूरेशन या फिर जो मैच्योरिटी बोलते हैं उसकी होल्डिंग्स का, वो जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा उनको इम्पैक्ट आता है इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाता है। तो हुआ क्या था, अगस्त के महीने में जो 10-ईयर गवर्नमेंट का बॉन्ड है उसका यील्ड एकदम से 5.8 बढ़कर 6.22 पर चला गया था। तो बहुत ज्यादा यील्ड में मूवमेंट था। उस कारण से सारे ही डेट फंड जिनका मॉड ड्यूरेशन ज्यादा था उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए कुछ समय के लिए, और ऐसे सिचुएशन आगे भी आ सकते हैं किशोर जी। पर इसका मतलब ये नहीं कि फंड गलत है। वापस अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-7-10 दिन में वापस वो पॉजिटिव आ चुका है। अगर आप ऐसे स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो प्लीज मेरी ये गुजारिश है कि आप 3 साल का होराइजन लेके चलिए कम से कम। उसमें आप पूरा एक इंटरेस्ट रेट का साइकिल कवर करेंगे और ये मानकर चलिए कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बहुत ही अच्छा स्कीम है। 95% ट्रिपल ए पोर्टफोलियो है, बाकी भी कुछ कैश इक्विवेलेंट है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी कुछ 2.5 साल का है। तो ये एक बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज्ड स्कीम है, इसमें निवेश कंटिन्यू करिए। कुछ और सवाल किशोर जी? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन का। चलिए शुक्रिया सवाल भेजने के लिए। और यहाँ पर अब हम रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंड नामा की तरफ। फंडनामा में हम कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड की जो अलग अलग कैटेगरी है, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, उसके अंदर जो सब कैटेगरी है उनको हम थोड़े आसान शब्दों में आपको समझाएं ताकि आप अपने निवेश से जुड़े फैसले सही तरीके से ले पाए। इस हफ्ते हम शुरुआत कर रहे हैं हाइब्रिड कैटेगरी की, और हाइब्रिड कैटेगरी के जो टॉप 3 कैटेगरी है, जो एक है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस्ड हाइब्रिड और अग्रेसिव हाइब्रिड, आज हम इन तीनों पे चर्चा करेंगे मोहित के साथ। मोहित बताइए ये तीनों का पहले तो बेसिक फर्क क्या है? जी, हाइब्रिड कैटेगरी बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है मार्केट में और बहुत निवेशक इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड होता है उसके अंदर इक्विटी एलोकेशन जो होता है वो कुछ 75% सॉरी डेट एलोकेशन जो होता है वो 75% के ऊपर होता है। तो 75 से 100% के बीच में डेट एलोकेशन रहेगा, और जो इक्विटी एलोकेशन होता है वो 0 से 20-25% के आसपास रहता है। अमूमन देखा गया है कि कंजर्वेटिव में आप देखेंगे जो डेट होगा वो 80% के आसपास होगा और इक्विटी 20% के आसपास। जो बैलेंस्ड हाइब्रिड होता है उसके अंदर करीब 65 से 75% के बीच में इक्विटी रहता है और 35% आसपास पोर्टफोलियो मैनेजर्स डेट रखते हैं। इससे एक तरह से वो इक्विटी टैक्सेशन भी दे देते हैं निवेशकों को। और जो अग्रेसिव हाइब्रिड होता है वहां पर इक्विटी का रेशियो और बढ़ जाता है और इक्विटी कुछ 80% तक होता है पोर्टफोलियो में, और जो डेट होगा वो 10 से 20% के बीच में रहता है। तो ये डिफरेंस है, आपको जिस तरह का पोर्टफोलियो बनाना है उस तरह का चॉइस मार्केट में अवेलेबल है आपके लिए। ऑलराइट, तो जिसमें जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड है जिसमें आपने कहा कि 15% इक्विटी रहता है और 85% डेट, और जो एक दूसरा उसका एक्सट्रीम एंड है अग्रेसिव हाइब्रिड जहां पर 80% इक्विटी और 20% डेट अमूमन इतना देखने को मिलता है, तो इसके बजाय प्योर इक्विटी प्योर डेट में क्यों ना रहे, क्यों ये मिक्स कोई चूज करे? जी, काफी अलग अलग तरह की के निवेशक होते हैं जिनका लक्ष्य, जिनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत अलग होते हैं। जी, अब अगर मान लीजिए कि मैं एक पैसिव निवेशक हूं, मेरे को
बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, मेरे पास कोई अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना समय जाया करूं ये जानने में कि मुझे कितना इक्विटी रखना चाहिए, कितना डेट रखना चाहिए, मैं वो कॉल फंड मैनेजर पर छोड़ना चाहता हूं। तो ऐसे निवेशक हाइब्रिड फंड को ले सकते हैं जहां पर जो डेट इक्विटी एलोकेशन है वो प्री डिफाइंड होता है या फिर डायनेमिक भी हो सकता है, जो फंड मैनेजर अपने आप से उसको चेंज करता रह सकता है। तो ऐसे निवेशकों के लिए बहुत अच्छा चॉइस है जो एसेट एलोकेशन की प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते हैं। दूसरा, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होते हैं, जिन्होंने अभी जस्ट शुरू किया है, शुरुआत है, समझना चाहते हैं कि किस तरह से डेट वर्क करता है, कैसे इक्विटी चलता है, पहला निवेश क्या होना चाहिए, तो वो एक शुरुआती तौर पर इस कैटेगरी से शुरू कर सकते हैं ताकि उन्हें इस पूरी प्रक्रिया को समझने में आसानी हो जाए और ये रीजनेबली सेफ समझा जाता है इक्विटी से, तो उन निवेशकों के लिए भी अच्छा है। और अगर आपका कोई लक्ष्य है जो कि मीडियम टर्म लक्ष्य है, 3 साल के आसपास का कुछ लक्ष्य है कि मुझे 3 साल में कार खरीदनी है या कोई एक घर के लिए मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, तो ऐसे मीडियम टर्म लक्ष्य के लिए भी आप चाहें तो हाइब्रिड कैटेगरी चुन सकते हैं, क्योंकि ये एक मिक्स तरीके से चलती है, इसमें डेट इक्विटी एलोकेशन अपने आप बटा हुआ होता है, तो उस हिसाब से ये 3 साल के होराइजन के लिए भी अच्छा कैटेगरी समझा जाता है। तो ये आप बोल रहे हैं तीनों में जो निवेश का नजरिया है, समय अवधि है, वो 3 साल तक का रखना चाहिए। देखिए, अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में है तो आप थोड़ा कम अगर आपका नजरिया है तो भी चलेगा, बट 3 साल से ऊपर अच्छा रहता है, बिकॉज कंजर्वेटिव हाइब्रिड में डेट टैक्सेशन लागू हो जाता है और 3 साल के बाद वहां पर आपको बेनिफिट मिलता है, तो बेटर रहेगा। और बैलेंस्ड और अग्रेसिव में हालांकि इक्विटी टैक्सेशन होता है, बट इक्विटी का कंपोजिशन थोड़ा हाई होने के कारण निवेशकों को सलाह यही रहेगी कि वो 3 साल से ऊपर का होराइजन रखें इनमें। अच्छा, ये बैलेंस्ड हाइब्रिड और एक दूसरी भी कैटेगरी है बैलेंस्ड एडवांटेज, अब दोनों में क्योंकि बैलेंस लिखा रहता है तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जरा उनका फर्क समझा दें। जी स्वाति, देखिए इस कैटेगरी में थोड़ी खिचड़ी बन चुकी है मार्केट में, बहुत बहुत तरह के वेरिएशंस, बहुत इनोवेशन आ गया है जी। जो बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी होती है वहां पर एक्चुअली देखा गया है कि बहुत ही डायनेमिक तरह के से डेट और इक्विटी का एलोकेशन चेंज होता रहता है। फंड मैनेजर्स कुछ प्री डिफाइंड रेशियोज के ऊपर, वो हो सकता है कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर या प्राइस टू बुक रेशियो पर या और कोई फिक्स्ड फॉर्मूला के ऊपर, वो जो डेट इक्विटी एलोकेशन है उसको कांस्टेंट नहीं रखकर उसको चेंज करते रहेंगे, उसे बदलते रहेंगे, कभी 60-80% तक इक्विटी जाएगा, कभी एकदम कम कर देंगे, तो वो एक डायनेमिक है। और जो दूसरा कैटेगरी है विच इज बैलेंस्ड हाइब्रिड, वहां पर वो एलोकेशन एक तरीके से फिक्स्ड होता है और कोई फॉर्मूला नहीं है उसे चेंज करने का, वो फंड मैनेजर की चॉइस पर होता है कि वो कितना इक्विटी रखना चाहता है, और वो अमूमन 65% के ऊपर इक्विटी रखते हैं उस कैटेगरी में। तो अगर आपको डायनेमिकली चेंज चाहिए तो आप बैलेंस एडवांटेज में जा सकते हैं, और अगर आपको एक थोड़ा सा फिक्स्ड फॉर्मूला चाहिए तो आप बैलेंस्ड हाइब्रिड में जा सकते हैं। तो जो आपने कहा कि जो शुरुआत नए निवेशक है वो शायद हाइब्रिड फंड से शुरुआत कर सकते हैं, अमूमन सलाह ये आती है कि पहले निवेशक है तो आप इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए, तो ये दोनों बातों में थोड़ा सा मिसमैच है। तो एक नया निवेशक आइडियली किस कहां से शुरुआत करे, हाइब्रिड से या फिर एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड से? देखिए सारे निवेशक अपने अपने मायने में यूनिक होते हैं, तो अगर आप बहुत ही यंग एज पर शुरू कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है इक्विटी से शुरुआत करने में। आप एक लेटर एज पर शुरू कर रहे हैं, अगर आप 40+ 50+ एज पर आप आकर निवेश करना शुरू कर रहे हैं तो एक बार आप चाहें तो जिसे बोलते हैं पानी की गहराई टेस्ट करने के लिए आप बैलेंस फंड से भी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, आपका जिस तरह से रिस्क टॉलरेंस है, आप कितना रिस्क लेने की आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप शुरुआत करिए। अगर आपको कम रिस्क से म्यूचुअल फंड कैटेगरी को आंकना है तो बैलेंस से शुरू करिए। अगर आप एकदम रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है आपकी हाई है, आप शुरुआत अच्छे रिस्क से कर सकते हैं, तो फिर आप लार्ज कैप या इंडेक्स फंड से भी शुरू कर सकते हैं। और रिटायर्ड इंडिविजुअल्स के लिए क्या ये उनके पोर्टफोलियो में इसकी जगह बनती है?
जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया याद दिलाने के लिए। रिटायर्ड लोगों के लिहाज से भी ये बहुत अच्छी कैटेगरी है, अगेन बिकॉज आपको डेट इक्विटी दोनों साथ में चलाने होते हैं एक पोर्टफोलियो में, और उसका जो सही संतुलन है वो बनाना काफी बार मुश्किल हो जाता है निवेशकों के लिए। तो जो बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी है या जो बैलेंस्ड हाइब्रिड कैटेगरी है, जहां पर एक अच्छा बैलेंस तरीके से डेट और एक्विटी का संतुलन बना रहता है, वो कैटेगरी रिटायर्ड इंडिविजुअल्स के लिए भी बहुत अच्छी है। आपको जिस तरह का अपना एक्विटी रखना है उस तरीके से आप चुनाव कर सकते हैं हाइब्रिड कैटेगरी में। आपको अग्रेसिव से शुरू कर आप धीरे उसको बैलेंस्ड पे लाइए और फिर उसे कंजर्वेटिव तरह ले जाइए अपने रिटायर्ड दौर में, तो ये काफी अच्छा एक प्रोसेस हो सकता है अपने फंड्स को मैनेज करने का। ऑलराइट, तो आज हमने बात की कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में। तीनों में अलग अलग रेशियो में इक्विटी और डेट में निवेश होता है। कंजर्वेटिव का जो टैक्सेशन है वो डेट का होता है, बैलेंस्ड और अग्रेसिव का इक्विटी का होता है। ये बेसिक बातें एटलीस्ट आप ध्यान में रखें और सोच समझ के अपने पोर्टफोलियो में इन फंड्स को ऐड करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए और हाइब्रिड के तीन फंड्स को इतने आसान भाषा में हमें समझाने के लिए। और सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पे खत्म होता है, मतलब शो यहाँ पे खत्म होता है। आप चाहते हैं अगर कि आपके सवाल हम लें और हमारे एक्सपर्ट आपके सवाल के जवाब दें, तो आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। कहाँ भेज सकते हैं? सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, याद रखिए कि जब भी आप सवाल भेजते हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिए। कई दफा हमें आपसे बात करने की जरूरत होती है ताकि सवाल को सही तरीके से हम समझ सकें और फिर उसके जवाब दें, इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर बहुत जरूरी है। और सवाल आप अंग्रेजी और हिंदी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, तो सवाल भेजिए, जवाब हम जरूर देंगे। तो फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।